हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, और उसके बाद हम बात करेंगे अप द रफ इंक्लाइन प्लेन दोनों केस में। सपोज दिस इज द इंक्लाइन प्लेन विद हॉरिजेंटल एट एन एंगल थीटा। अब हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है कि यदि इस इंक्लाइन प्लेन पे हम किसी बॉडी को यहाँ पुट कर देते हैं, सपोज दिस इज ए बॉडी प्लेस्ड ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन, इफ दिस एंगल थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है जो इस इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, इट विल स्लाइड डाउन। देखो इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है। इंक्लाइन प्लेन ने हॉरिजेंटल के साथ में जो एंगल बनाया वो एंगल की कम से कम वैल्यू जिस पे ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देती है, उस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। सो वी कैन से दैट इफ दिस एंगल थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज देन दिस ब्लॉक विल स्लाइड डाउन। जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तब हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। और फिर दूसरा केस क्या करेंगे, यदि इस ब्लॉक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएं तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों को हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। वी नो दैट यदि ये जो प्लेन हमारा, अगर ये अभी इंक्लाइन प्लेन है, अगर ये प्लेन हॉरिजेंटल होता मतलब थीटा की वैल्यू जीरो होती, राइट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ रखा हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसका वेट किधर एक्ट करता, वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। अब यदि इस प्लेन को हम ऊपर की तरफ उठाते हैं, देखो यहाँ से प्लेन को हमने ऊपर उठाया, क्या बन गया ये, इंक्लाइन प्लेन। नाउ डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज, देखो पहले ये डायरेक्शन थी, जैसे जैसे आप प्लेन को उठाओगे नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल टू सरफेस, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अभी देखो यदि दोनों हॉरिजेंटल के साथ में जो हमारा प्लेन है ये भी हॉरिजेंटल होता तो थीटा की वैल्यू कितनी थी, जीरो। अब जैसे जैसे आप इस प्लेन को ऊपर उठाओगे तो क्या होगा, थीटा इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो पहले इस डायरेक्शन में थी ये भी यहाँ से यूँ चेंज होती जाएगी। देखो पहले यहाँ समझते हैं, वेट एम जी डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, आपने प्लेन को उठाया, नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ से इस डायरेक्शन में होती आएगी। सो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। और इस कंसेप्ट को हमने मैथमेटिकली पिछले वीडियो में प्रूव किया था मैथमेटिकली कि दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। तो यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब देखो भी, इफ दिस एंगल थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज देन व्हाट विल हैपन, देन दिस बॉडी विल स्लाइड डाउन। जब नीचे की तरफ आएगी देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब इस पे जो फोर्सेस जो कौन कौन से लगे होंगे, व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स लगे हुए, वेरियस फोर्सेस, राइट, जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं। पहले वेट एम जी, ये वेट एम जी नॉर्मल रिएक्शन के साथ में क्या एंगल बनाता है, थीटा। अब यदि इस वेट एम जी को हम कंपोनेंट में रिजोल्व करें तो देखो एम जी ने इस डायरेक्शन के साथ में एंगल थीटा बनाया है, तो एम जी का इधर कंपोनेंट क्या होगा, एम जी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा दिस विल बी एम जी साइन थीटा, राइट। तो एक तो हमारे पास में कंडीशन क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, मोशन है नीचे की तरफ, राइट। इसका मतलब दिस फोर्स एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स क्या होगा, हम मान लेते हैं लेट एफ इज नेट फोर्स, लेट मान लेते हैं भाई स्मॉल एफ इज नेट फोर्स ऑन द बॉडी एंड इज एक्सिलेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड का मतलब इस प्लेन की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन ओवर द प्लेन,
इस प्लेन पे नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसको हमने ए नाम दे दिया. देन नेट फोर्स विल बी डिफरेंस ऑफ दीज टू फोर्सेस, सो नेट फोर्स एफ विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस में एफ. एंड वी नो दैट एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर. ये हम डिस्कस कर चुके हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में. फर्स्ट लॉ एफ इज इक्वल टू म्यू आर, और वी कैन से दैट एफ इज इक्वल टू म्यू एंड आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा. आर की जगह क्या पुट कर दिया हमने, एम जी कोस थीटा. तो ये जो एफ है एफ की जगह पुट कर देते हैं नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस में एफ. एफ की जगह म्यू आर पुट करेंगे और म्यू आर की जगह क्या आएगा, म्यू एम जी कोस थीटा. राइट, देखो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दोनों में दोनों तरफ एम थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा. देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस में म्यू जी कोस थीटा. और वी कैन राइट दिस रिलेशन एज दोनों तरफ हम यहाँ बात करेंगे ए इज इक्वल टू इन दोनों में जी को मैंने जी को कॉमन ले लिया क्या आएगा साइन थीटा माइनस जी कॉमन ले लिया हमने यहाँ रह गया म्यू कोस थीटा. एंड वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एंड कोस इज वन एंड वैल्यू ऑफ म्यू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन वन. सो देखो यहाँ से हम ये बात करेंगे ये जो फैक्टर आएगा ना ये वाला फैक्टर साइन थीटा माइनस में म्यू कोस थीटा दिस विल बी ऑलवेज लेस देन वन. इसकी जो वैल्यू होगी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इज लेस देन वन. जब ये वाला फैक्टर लेस देन वन आएगा देन वी कैन से दैट ए इज लेस देन जी. सो यहाँ हमने क्या प्रूव किया है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन इज ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब नेक्स्ट केस हमारे पास में क्या हो सकता है, इफ दिस एंगल थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज राइट देन इट इज क्लियर दैट दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट स्लाइड डाउन. अब यदि इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ लेके चलें इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अप द प्लेन देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन. अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन. कंडीशन क्या है, व्हेन थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज. यदि एंगल थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इट विल स्लाइड डाउन. हमने क्या मान लिया कि थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज एंड वी वॉन्ट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन. सो इट इज क्लियर दैट यदि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ, बाकी सारे कंपोनेंट सेम रहेंगे. आर किसके बराबर होगा, आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा. एम जी को हमने कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, एक कंपोनेंट ये कोस थीटा आएगा, दूसरा एम जी साइन थीटा, ये सेम रहेंगे. अब इस ऑब्जेक्ट को यदि हम ऊपर की तरफ लेके चलें देन लेट स्मॉल एफ इज नेट फोर्स. अब देखो ये नेट फोर्स किसके बराबर होगा, यदि हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके चलें तो हमें कम से कम जो फोर्स चाहिए वो किसके बराबर चाहिए, जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, और वो कौन कौन से हैं, एम जी साइन थीटा प्लस एफ. सो नेट फोर्स वी कैन से दैट यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ. एफ क्या है, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और वी कैन से दैट एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ की जगह फिर से क्या पुट करोगे, म्यू आर, और आर की जगह क्या पुट कर दोगे, आर की जगह हम पुट कर देंगे एम जी कोस थीटा. सो अगेन एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा. एंड फाइनली हमारे पास में क्या आ जाएगा, एम थ्रू आउट कैंसिल कर देंगे,
ए विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा. सो इन दिस केस वी कैन से दैट ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए इंक्लाइंड प्लेन. थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग.